back to the channel. I hope you are looking great. I'm Sneha. तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने 5 हेयर केयर टिप्स बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ, बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ. तो नंबर 1 पे है राइट कॉम्ब का यूज करना. तो मैं यूज करती हूँ ये सारे कॉम्ब्स. ओके, तो जो सबसे बड़ा वाला मेरा कॉम्ब है ये वेगा का. तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो कंघी आप यूज़ कर रहे हो अपने बालों के लिए वो आप सोच समझ के यूज़ करो. तो ये वाला सबसे बड़े साइज़ का है और ये वाला मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरे बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं. जैसे मैंने कुछ शूट किया या फिर मैं कहीं गई हूँ, वहाँ पे बहुत तेज़ हवा थी, मेरे बाल थोड़े मतलब उलझ गए हैं आपस में, बहुत फ्रीजी हो गए हैं और शैम्पू कंडीशनर के बाद भी वो अच्छे से नहीं सही हुए हैं, तो मैं ये वाला कॉम्ब यूज़ करती हूँ. तो इसे कॉम्ब करना बहुत ईजी होता है, तो मैं पहले इससे यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं अपने बाकी कॉम्ब्स यूज़ करती हूँ. तो ये वाला कॉम्ब मैंने सिर्फ और सिर्फ उन दिनों के लिए रखा है जब मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो. अगर आप चाहो तो आपको ऑनलाइन ये मिल जाएगा, वेगा का है. ओके, उसके बाद जो कॉम्ब्स है जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ वो है ये दोनों सेम है, बस कलर अलग है. ये मेरे पास बचपन से है, मतलब बहुत सालों से है, 15 साल तो हो ही गए होंगे, मुझे याद भी नहीं है. तो ये दोनों वो कॉम्ब्स हैं और अब ये मार्केट में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलते हैं और इसका कोई वैसा कंपनी नहीं है. ये मैंने लोकल शॉप से लिया था बचपन में. तो और अभी अगर आप ये कॉम्ब देख ढूंढने जाओगे तो मार्केट में ऐसे फेक कॉम्ब्स भी हैं जो इनके जैसे दिखते हैं बट इनमें बाल फंस जाता है और ये उतने अच्छे नहीं होते. ओके, तो ये वाले कॉम्ब्स हैं जो मैं नॉर्मली हमेशा यूज़ करती हूँ अगर मेरे बाल नॉर्मल हैं तो. और अगर मुझे थोड़ा सा और मतलब जैसे इसके ये जो टीथ हैं ये थोड़े वो है ना, तो अगर थोड़ा सा और मुझे पतला यूज़ करना है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ. ये भी नॉर्मल है, ये भी वेगा का है और ये वाला कॉम्ब मेरे घर में सबको यूज़ करते हैं. सब कोई जितने भी लोग हैं मेरे घर में वो लोग ये यूज़ करते हैं. ओके, तो ये तो हो गए कॉम्ब्स. उसके अलावा जो एक चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो ये है, ये आप इस तरीके से अपने हेड पे कर सकते हो मसाज और सर्कुलर मोशन में मैं करती हूँ नॉर्मली ऐसे ऐसे. और ये वाला भी मेरे घर में ऑलमोस्ट हर किसी के पास है. तो ये पिंक वाला मेरा है, ये वाला मेरे पापा का है. ओके, तो ये वाला जो होता है ये आपको बेसिकली हेड मसाज के लिए यूज़ करती हूँ. तो जो नंबर 2 का जो मेरा पॉइंट है वो हेड मसाज के लिए ही है. नंबर 1 आप राइट कॉम्ब यूज़ करें, नंबर 2 हेड मसाज. तो हेड मसाज के लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ. ये आप ऑयलिंग के टाइम यूज़ कर सकते हो, जब आप ऑयल लगा रहे हो ना, तो ऑयल लगाने के बाद स्कैल्प पे अच्छे से ऐसे से सर्कुलर मोशन पे आप कर लो. अदरवाइज कभी कभी आप शैम्पू करने के बाद भी कर सकते हो. तो मैं शैम्पू करने के बाद ज़्यादा करती हूँ, ऑयलिंग के टाइम पे कभी कभी करती हूँ, कभी कभी शैम्पू करने के बाद करती हूँ. ओके, तो ये चीज़ें ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ईजिली अवेलेबल है. ओके, तो हेड मसाज जो है वो इस चीज़ से भी करती हूँ और कभी कभी मैं अपने फिंगर टिप्स को यूज़ करके भी करती हूँ. अगर मैं फ्री बैठी हूँ मुझे तो मैं आराम से ऐसे ऐसे बालों में कर लेती हूँ. तो उससे क्या होता है ना कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है आपके हेड का. मोस्ट ऑफ द टाइम आप डे में आप खड़े होते हो या बैठे होते हो, आपका हेड ऊपर होता है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है एक एज के बाद उस वजह से भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है. तो या तो आप ये यूज़ करिए, उससे आपका सर्कुलेशन होगा. सेकंड चीज़ है आप फिंगर टिप से जब भी आपको टाइम मिल रहा है रात को सोने टाइम या किसी भी टाइम पे आप वो कर लीजिए अच्छे से पूरे हेड पे, तो वो भी सही है. और उसके अलावा आप अगर हेड स्टैंड कर सकते हो अपना सर नीचे करके पाँव ऊपर, अगर आप सपोर्ट लेके भी कर सकते हो तो वो कर सकते हो. बट अगर आपका थोड़ा एज है या फिर आपका बॉडी थोड़ा हेवी है, अगर आप नहीं कर सकते हो इनकेस, तो इसके अलावा आप बेड पे भी लेट के कर सकते हो. आप बेड पे लेट जाओ और उसके बाद अपना जो गर्दन वाला पार्ट है वो बेड के नीचे आप लटका लो. आप नॉर्मल ऐसे आप लेटे हो या आपका हेड है, आप उसको ऐसे करके नीचे करके वो कर लो. तो उससे भी क्या होगा ना कि बेड से नीचे आपका बेड वो होगा हेड, तो सर में और फिर सिर में आपके ब्लड जाएगा. तो वो अगर आप हेड स्टैंड नहीं कर सकते हो, अगर आप उल्टे नहीं हो सकते हो सपोर्ट के साथ भी, तो आप बेड पे कर सकते हो. वो ईजिली आप कभी भी कर सकते हो, रात को सोने के पहले कर लो और उसके बाद आप ईजिली सो जाओ, तो वो बहुत सही है. तो सिर में ब्लड जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए. और ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर आपको याद नहीं है फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको जब याद आता है तब कर लो. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप ऐसा कर सकते हो तो वो बहुत सही है. और इसके अलावा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, योगा कर सकते हो,
तो उससे भी ब्लड फ्लो बॉडी का भी बढ़ता है और वो बहुत सही होता है। और अगर आप रनिंग कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत कभी रनिंग कर लिया, कभी वॉक कर लिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया, योगा कर लिया, कोई भी चीज अगर आप इंटरनली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। सिर्फ एक्सटर्नली कुछ करने से नहीं होता है कि आपने सिर्फ ऑयल लगा लिया, सिर्फ एक दो चीजें कर ली और आपका हेयर फॉल रुक गया, आपका हेयर बहुत अच्छा हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपको थोड़ी थोड़ी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो सेकेंड पॉइंट यही था, हेड मसाज और हेड में ब्लड सर्कुलेशन होना, उसके लिए आपको ये चीजें करनी चाहिए। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट है राइट ऑयल का यूज करना और राइट एसेंशियल ऑयल्स का यूज करना। तो अगर आपने मेरा लास्ट टू लास्ट जो भी मैंने मतलब कुछ दिन पहले जो वीडियो डाला था ऑयल से रिलेटेड, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगी और लिंक, आप वहां से देख सकते हो। तो उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि मैं कौन से ऑयल्स यूज करती हूँ, कौन से ऑयल्स आपको यूज करने चाहिए और एसेंशियल ऑयल्स कैसे यूज करने चाहिए, वो मैंने प्रॉपर उसमें बताया है। तो ये वीडियो को मैं उस टॉपिक को लेकर लंबा नहीं करती हूँ, तो आप वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए। ऑयल सही यूज करना बहुत जरूरी है। कई लोग हैं जो कोई भी ऑयल मिल जाए बस लगा लेते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑयल अपना काम करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपका कैसा बाल है, आपको कौन कौन से ऑयल्स यूज करने चाहिए, इन चीजों पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट मेरा था ऑयल्स को लेके। फोर्थ पॉइंट है राइट शैम्पू यूज करना। तो आप कोई भी शैम्पू यूज कर रहे हैं, आप सोच समझ के यूज करें, जो भी शैम्पू यूज कर रहे हैं। आजकल शैम्पूज में इतने केमिकल्स होते हैं, इतने ज्यादा केमिकल्स होते हैं, तो आप देखें कोई भी शैम्पू आप जब भी ट्राई कर रहे हैं, अगर चेंज कर रहे हैं तो आप देखें उससे आपके बाल ड्राई तो नहीं हो रहा है या उससे आपका हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें आप देखें। और सेकेंड चीज जो मैं फॉलो करती हूँ, काफी सालों से फॉलो कर रही हूँ, वो ये चीज है कि अगर मैंने 1 टेबल स्पून अगर शैम्पू लिया है तो उसमें 1 टेबल स्पून मैं वाटर डालती हूँ। तो बिना पानी के कभी भी मैं कोई शैम्पू यूज नहीं करती, मैं कोई भी शैम्पू यूज कर रही हूँ। मैं अगर स्विच भी कर रही हूँ शैम्पूज, अगर मतलब सीजन के हिसाब से अगर मैं शैम्पू कर रही हूँ स्विच, तो मैं उसमें आधा पानी डालती हूँ और आधा शैम्पू रखती हूँ और उसको जब तक मिक्स कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं उसको मतलब बालों पे लगाती हूँ। अगर आप स्कैल्प पे लगा रहे हो, अगर आप एंड्स पे लगा रहे हो, आप कहीं में भी लगा रहे हो शैम्पू, तो उसको डाइल्यूट करके ही लगाओ, आधा पानी आधा शैम्पू, चाहे कोई भी शैम्पू हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी शैम्पू डायरेक्ट लेके नहीं लगाना चाहिए, उससे बाल ज़्यादा ड्राई होते हैं, फ्रिजी होते हैं और वो आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको पानी में मिक्स करके ही लगाएं। ओके, तो फोर्थ में था शैम्पू। फिफ्थ पॉइंट है मेरा होममेड हेयर मास्क। तो मैं घर में कभी कभी कुछ ना कुछ, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, कभी 1 हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं होममेड हेयर मास्क लगाती हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, वो एग हो सकता है, वो कर्ड में कुछ कुछ चीज़ें मिक्स करके मैं लगा लेती हूँ, कुछ भी चीज़ें। तो वो मैं अभी आगे फ्यूचर में वीडियोज़ डालूंगी, वो आप देख सकते हो। बट जो भी घर की इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हमारे बालों के लिए अच्छी होती हैं। मार्केट से भी आप कभी कभी लेके हेयर मास्क वगैरह लगा सकते हो, बट उसमें भी केमिकल्स होते ही होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप कुछ घर का लगाओ जो आपको पता है, जो खाने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कर्ड है, एग्स है, इस टाइप की चीज़ें मैं अक्सर लगाती हूँ बालों पर। उससे आपको इंस्टेंट फील होगा कि आपके बाल में शाइन आ गया है, आपके बाल थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, आपके बाल कम फ्रिजी हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको पता चलती हैं। और छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि हेयर बैंड वगैरह जो आप यूज़ करते हो। मैं नॉर्मली ऐसे सॉफ्ट वाले हेयर बैंड्स यूज़ करती हूँ, पतले पतले, बट अगर आप चाहो तो आप ऐसे वाले हेयर बैंड्स भी कभी कभी अगर आप बाहर जा रहे हो तो यूज़ कर सकते हो। इससे भी मेरे बाल तो नहीं टूटते हैं, आप खुद ट्राई करके देख लो। तो एक तो मैं ऐसे वाले हेयर बैंड्स यूज़ करती हूँ, और नॉर्मली डे टू डे लाइफ में मैं ऐसे वाले हेयर बैंड्स यूज़ करती हूँ। और एक दो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, वो है टाइट पोनी, टाइट बन मैं कभी भी ट्राई करती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ मैक्सिमम टाइम्स पे कि मैं टाइट पोनी या टाइट बन ना करूँ या मैं हाई पोनी ना करूँ, क्योंकि जब आप हाई पोनी करते हो तो आपका पूरा ये स्कैल्प और पूरा बाल ऐसे खिंच रहा होता है, तो आप जितने देर के लिए वो करोगे उतना आपका बाल डैमेज होगा। तो अगर आप वंस इन अ वाइल कभी पार्टी फंक्शन में गए हो, आपने कर लिया तो चलो ठीक है, बट कई लड़कियों को मैं देखती हूँ वो डेली बेसिस पे टाइट पोनी करती हैं, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है आपके बालों के लिए। आपको लगता है बहुत अच्छे दिख रहे हो, बट आप दिख रहे होते हो, पर आप डेली ऐसा मत करो, क्योंकि उससे आपके बाल कम हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे कि अरे मेरा हेयर फॉल हो रहा है, ये हो रहा है। तो टाइट पोनी, टाइट बंस, कुछ भी आपको नहीं करना है, लूज लूज रखो। अगर मैं भी अगर चोटी कर रही हूँ तो मैं क्या, तो मैं एकदम बालों को ऐसे रखती हूँ कि वो नॉर्मल आए और फिर मैं कर लेती हूँ। चाहे एक पोनी कर रहे हो आप या आप स्कूल जा रहे हो 2 पोनी करके, आप ट्राई करो कि आप ऐसे करो, ज़्यादा बाल खींचने नहीं चाहिए, थोड़ा ढीला ढीला सा होना चाहिए, लूज लूज
ओनी सही होता है। तो ये पांच चीजें तो हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और जो मैंने अभी आपको बताया, बट इसके अलावा आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। पहला कि इनर हेल्थ बहुत जरूरी है। कभी भी अगर आप स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड कुछ भी है अगर आपको इश्यूज, तो आप पहले ट्राई करो कि आप इनर हेल्थ सही करो, योगा एक्सरसाइज करो, वॉक करो। अगर आप अंदर से सही करने की कोशिश करोगे तो वो परमानेंट सही होगा। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कुछ टाइम के लिए सही कर देते हैं बट वो बाद में नहीं होता। तो आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हो? आप सिर्फ बाहर की चीज़ें खा रहे हो, फ्राइड चीज़ें खा रहे हो, और उसके बाद अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके बाल और हेयर अच्छे हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो बाहर की चीज़ें मैं भी खाती हूँ बट बहुत कम, वंस इन अ वाइल कभी बाहर चले गए खा लिया वैसे, बट नॉर्मली डेली बेसिस पे अगर मुझे तीन टाइम मील चाहिए तो मुझे घर का मील चाहिए। तो इनर हेल्थ सही करने के लिए आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सर का ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने बताई वो करना पड़ेगा। तो आप एक्सटर्नली भी वर्क करो बट इंटरनली भी वर्क करो। आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए। जैसा लाइफस्टाइल आपका रहेगा, जैसी चीज़ें आप करोगे वैसे ही आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा बाहर। जो आप अंदर कर के लिए जो वर्क करोगे वो आपको बाहर नजर आएगा। तो ये चीज़ें हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और अगर आपको इसमें से किसी भी हेड मसाजर का या कोम का लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आप फ्यूचर में, अगर आप मेरे जो हेयर मास्क वगैरह मैं घर में यूज़ करती हूँ, एलोवेरा कर्ड इन सब का, अगर आप चाहो तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा हो। और आप कुछ भी चीज़ें अगर इसमें से अगर अप्लाई करो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे सुन के बहुत खुशी होगी। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।